के जामा मस्जिद में हम लोग यहाँ ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर सिवाई बन गई है, यहाँ पर सब तैयार है, समरीन भी तैयार है, समरीन अब बाहर जाने के लिए तैयार हो गई है। मिंसी और मकासा दोनों सोच रहे हैं कि ये कौन भोग रहा है बदतमीज। गज का दामन ओ, अरे स्टेज फूट गया भाई, देखो कैसे सोया हुआ है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल अली फैमिली ब्लॉग में। तो लास्ट रमजान रोजे की तैयारी हो रही है, तो मिर्च के पकौड़े, ये चावल और दाल के पकौड़े हैं, ये बेसन का बनेगा, यहाँ पर कल के लिए छोले की तैयारी हो रही है। और तो आज चांद रात है, तो सबको चांद रात मुबारक हो। यहाँ रेशमा आवाज लगा रही है पर्दा लगाने के लिए, क्या देखिए ये निकल गया, ये टूट गया, इसका ये टूट गया है, ये पर्दा अब लग नहीं सकता है, चलो इसको मोड़ कर ना रख दो। यहाँ पर पर्दा लग गया है और ये कुशन भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर सब आ गया है, चूड़ी यहीं पर रखा हुआ है, सेवई खाने के लिए, कितना प्यारा लग रहा है। और आपको दिखाते हैं सब क्या कर रहे हैं। काशिफ यहाँ लेटा हुआ है, इसको बहुत ज्यादा रोजा लगा हुआ है, लास्ट रोजा है। हाँ, प्यास लग रही है, भूख तो नहीं लग रही है मुझे, इसकी तो हालत खराब बनी हुई है, दो दिन से तबीयत खराब है। कुछ बोलना चाहेंगी आप? गाइस बहुत हालत खराब है मेरी, और अभी मैंने आज जैसा कि चांद रात है तो मैंने अपनी आईब्रोज, चांद रात का मुबारकबाद दे दो सबको, आप सभी को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक प्लस ईद मुबारक पूरी फैमिली के तरफ। देखो गाइस, पूरी फैमिली के तरफ से ईद मुबारक। और एक और चीज दिखाती है, और ये डबल सैंडविच, कल के लिए चादर, कल के लिए चादर इस पे बिछा दिया ऊपर से, ये वाला, क्योंकि मेहंदी लगाएगी ना तो फिर सारा गिर जाएगा, गंदगी आ जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने ये हैक किया है। आप लोगों में से कौन कौन करता है ये चीज पहले बता देना, आप लोग सबके रूम में यही हाल है अभी। आप लोग को मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जामा मस्जिद में हम लोग यहाँ ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं लोग। नमाज का टाइम 6:30 बजे है, लेकिन लोगों का हुजूम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह हो गई है, देख सकते हैं सारे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ईद का नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। काशिफ भी गया हुआ है नमाज पढ़ने, उसके पापा भी गए हुए नमाज पढ़ने के लिए, अभी तक आए नहीं है, इस बार जामा मस्जिद पर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। मेरा तो काम ख़त्म ही होने का नाम नहीं है, या कब सारे कपड़े धोए हैं, कल चादर चेंज हुआ है सारा, तो सोचे कि धो लेते हैं, अभी फिर से मशीन लगाए हुए हैं इसमें, इसमें भी चल रहा है, काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं है, सारे कपड़े धोकर फैलाई हुई हूँ। और यहाँ देख सकते हैं नया नया चादर पर ना दोनों को बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है, दोनों किस तरह देखो कैसे बैठा हुआ है दोनों, जहाँ चादर नया बिछाओ कि बस दोनों को मज़ा आ जाता है। मिमसी मकासा ईद मुबारक बोल दो, ईद मुबारक आप लोग को। चलिए ये लोग को बैठने देते हैं। और यहाँ पर सिवई बन गई है, रात में नहीं बनाए थे अभी बनाए हैं। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी देख सकते हैं रच गई है, थोड़ा जल्दी निकाल लिए थे, काम करना था तो इसलिए सोचे कि जल्दी से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मिमसी खाना खा रही है, ये पर्दा पर लाइट, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये। तो यहाँ पर सब सो के उठ गए हैं, तो नाश्ता लेकर जाती हूँ, यहाँ पे छोले, सेवई, कचौड़ी,
तो यहाँ पर सब तैयार है, समरीन भी तैयार है, समरीन अब बाहर जाने के लिए तैयार हो गई है। ये और ये मैडम, ये मैडम तो दुखी रहती है, हर वक्त दुखी रहती है। अरे मेरा सूट ही ढीला था, इतनी पतली क्यों हो? तो स्मॉल साइज लाना चाहिए था ना, लार्ज लेके आया था। स्मॉल साइज तो। और ये मैडम का कान का बाली, चांद बाली है ये, चांद बाली पहने माशाल्लाह है इसका। चलो 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 चले, चलो चलो चलो। कासिफ भी तैयार, कहाँ जा रही है पता नहीं। मुबारक हो आपको बहुत बहुत, सभी को ईद मुबारक हो। ईद जो है, ईद ढेर सारी खुशियाँ लेके आई है और लेके आती रहे सभी लोगों के लिए। वो चलते हैं बच्चे लोग को ईद ही देने के लिए, पहले इधर देखते हैं इधर कौन है। चलो मेरी, मेरा बच जाएगा, चलो मेरा बेटा। खैर तुम तो नहीं लेता ये। अच्छा थोड़ा बढ़ा के देंगे तुमको। अलग कलर का लिफाफा चलो लेके मैं आई क्या? अरे वाह थैंक यू, कितना सुंदर लिफाफा है यार। गए थे उस दिन लाजपत नगर, तो हमको पसंद आया हूँ। ईद मुबारक गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। चलो एंजॉय करो, पैसा देके। अब चलते हैं, खाना वाना की तैयारी करते हैं, खाना देते हैं, सबको भूख लगी हुई है, सब बाहर से आए हैं। और आपको मकासा को दिखाती हूँ कैसे सोता है वो, देखो कैसे सोया हुआ है। ये सफेद बिस्तर इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। चलिए रोटी बनाने जा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस मिम्सी और मकासा, मिम्सी और मकासा दोनों सोच रहे हैं कि ये कौन भोग रहा है बदतमीज। सोच रहे हैं कि ये लोग किसके बीच हम लोग फंस गए हैं पता नहीं। और ये अभी शीशे में मेरा मुंह अजीब सा क्यों आ रहा है? क्या तुम अजीब सी हो गई हो? लंबा लंबा सा आ रहा है अजीब सा, ऐसा नहीं है। दिखाना दिखाओ। किसी कॉल आई है, मैं दिखाती हूँ आपको किसकी कॉल आई है, किसी गर्लफ्रेंड की कॉल है। जब आपकी गर्लफ्रेंड, गाइस मेरा स्टेप देखो आप गाने पे। बावन गज का दामन ओ, अरे पेज फूट गया भाई, पागल लग रही है ना, बहुत बड़ी वाली। गाइस यहाँ पे मैं अपनी चोटी बनवा रही हूँ, अब मैं थोड़ा सा अलग लुक कर रही हूँ, देखते कैसा लगता है पहली बार। Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now.